Hello students, I am Pawan Sharma, maths teacher. Subscribe this channel. हमने पीछे किया था सेट बिल्डर फॉर्म की थी, और उसमें क्या था कि रोस्टर फॉर्म दी हुई थी उसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना था, इस टाइप से सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना। बट अब इस बार क्या है कि इस टाइप से डेस्टिनेशन टाइम में दिया होगा, और यहाँ पे तो क्या है कि इसमें हमें क्या देना है, ओनली क्या निकालना है कि सेट बताना है कि सेट बनाना है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें थोड़ा सा ना हाँ डेफिनेशन टाइम में दिया हुआ है, और हो सकता है कि रोस्टर टाइम में भी दिया हो। हमें सिर्फ यहाँ पे सेट बनाना है कि कौन सा सेट बनेगा और कौन सा किस टाइप से बनेगा। कहता है राइट दी फॉलोइंग सेट बाई लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स, कि सभी ना सभी जो सेट बनाना है और उनके जो एलिमेंट्स है उनकी एक लिस्ट बनानी है। क्या कहता है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर विच आर कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 45। कहता है कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट बनाना, वो क्या होना चाहिए, 30 और 45 का कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो आप सबसे पहले तो 30 के फैक्टर देखिए कौन कौन से होते हैं। 30 पता है कि आपको 1 से डिवाइड होता है, 2 से, 3 से, 5, 6, 10, 15 और 30, ये 30 के फैक्टर हैं। ऐसे ही आप 45 के फैक्टर निकालिए, क्या होता है, 1 होता है, 3, 5, 9, 15 और 45, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब हमें इन दो दो सेट आगे की, एक सेट तो है 30 का कॉमन फैक्टर, सॉरी 30 के फैक्टर में है, और बी सेट क्या है, 45 का फैक्टर है। अब इन दोनों सेट में कॉमन क्या है, देखिए एक तो 1 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, 5 है और 15 है, ये दोनों इन दोनों सेट में कॉमन आ रहा है। जो कॉमन आ रहा है वो हमारा नया सेट होगा जो हमें रिक्वायर्ड था। इसने बोला था कि 30 और 45 का जो कॉमन आएगा वही हमें एक सेट बनाना है, तो वो सेट हमें इस टाइप से बना सकते हैं। अब क्या है, सेकंड क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर विच आर इवन। कहता है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर, सबसे पहले तो आप देखिए कि प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर जो क्या हो, 1 से और खुद से डिवाइड हो, तो 1, 2, 3, 5, 7 इस टाइप से चलेगा, इस टाइप से बहुत से प्राइम नंबर होंगे। बट इसने बोला है कि इवन नंबर, तो ओनली 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो यहाँ पे सेट बनेगा वो क्या होगा, सिर्फ 2 का बनेगा। तो 2 ही एक ऐसा नंबर आएगा जो प्राइम नंबर भी है और क्या है, इवन भी है, तो उसका सेट बनाना था, तो सिर्फ एक एलिमेंट बनेगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कि ये सेट है यहाँ पे दे रखा है x इज सच दैट x स्क्वायर इक्वल 4 और x इक्वल 3। अब एक तो वैल्यू आपको दे रखी है x स्क्वायर इक्वल 4, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस 2, और एक कहता है x की वैल्यू कितनी है, 3। तो ये दोनों कंडीशन के लिए यहाँ पे एक सेट बनाना, दोनों कंडीशन यहाँ पे देखो आप अलग अलग है, कि यहाँ पे तो कहता है x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आनी चाहिए, और ये कहता है कि 3 आनी चाहिए, तो ये और ये दोनों कहीं पे भी एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रही, कि ये तो कहता है कि x स्क्वायर इक्वल 4 होना, यानी x प्लस माइनस 2 होना चाहिए, और ये कहता है x की वैल्यू 3 होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू 3 यहाँ पुट करते हो तो 9 इक्वल 4 आता है, और 9 इक्वल 4 तो हो ही नहीं सकता, 9 4 के इक्वल कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि कोई सेट ही नहीं बनेगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। एम्प्टी के लिए हम इस सिंबल का यूज कर सकते हैं, या हम इस ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं, ओनली ब्रैकेट लिख सकते हैं, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये भी एम्प्टी होता है और ये भी एम्प्टी होता है, इन दोनों में कुछ कॉमन बना ही नहीं। ये कहता है कि x के इक्वल 4 होना चाहिए, और ये कहता है x इक्वल 3, तो x की वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो वो इक्वलिटी नहीं शो करता, तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। अब जब नेक्स्ट देखोगे, ये वाला देखो कि x के इक्वल 9 और ये कहता है 2x इक्वल 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब ये 2 वैल्यू इसमें पुट करो कि इसको सेटिस्फाई करता है क्या, वही आ जाएगा कि 4 इक्वल 9 नहीं हो सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो एक वैल्यू आती है वो ऊपर वाले को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो वो क्या बन गया, एम्प्टी बन गया। थर्ड पार्ट देखिए, एक्स स्क्वायर 5x-4 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर 5x-4 दिया हुआ है, हाँ आपको इसके फैक्टर निकालने हैं, तो वैल्यू निकालिए, फैक्टर निकालिए, याद है फैक्टर 3x+4 और 2x-1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 4/3, और 1x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। तो यहाँ पे सेट बनाना था, यहाँ पे कोई अदर वैल्यू तो है नहीं, सिर्फ यही दिया हुआ था,
तो ये आ जाएगा चैट क्या बन जाएगा यहाँ पे, फिर चैट बन जाएगा माइनस का 4/3 और 1/2, ये आपका चैट बन जाएगा। तो इस टाइप के आप इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हो। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो आप यहाँ पे ये वाला, ये कहता है कि 4x माइनस का 15 लेस देन 29। दूसरी कंडीशन क्या किया है कि x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, यहाँ से जो x ले लिया है तो आप ये 15 उधर ले जाइए, प्लस का बन जाएगा तो कितना आ जाएगा 44। 15 उधर जाके 44 हो गया, डिवाइड करोगे 11, यानी ये कहता है कि x इज ग्रेटर देन 11। ग्रेटर देन 11 के जो भी आएंगे वो क्या बन जाएंगे, यहाँ सेट में आ जाएगा 14। इस टाइप से दो दो थी इसमें सेट है, क्योंकि इसने बोला था कि x है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, तो इसने बोला कि x इज ग्रेटर देन 11 आना चाहिए, ग्रेटर देन 11 नेचुरल नंबर तो यही होंगे, दो दो आगे बहुत सारी वैल्यूज है, तो ये इस सेट में आ जाएगा। इनइक्वालिटी वाला तो क्या होता है बेटा कि मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ x, मान लो ये चीज दी हुई है तो मुझे यहाँ x की x हमेशा क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तब पॉजिटिव करना है तो इसको x पे क्या करना पड़ेगा, माइनस से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। जब माइनस से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये वाला इनइक्वालिटी वाला, जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इस टाइप से सिंबल चेंज हो जाता है। हो गया अंडरस्टैंड बेटा। अब देखिए आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला, ये क्या कहता है कि x इज ग्रेटर देन -1/2 एंड x इज लेस देन 9/2। इंटीजर है, -1/2 से ग्रेटर देन लेना है और 9/2 से लेस है। -1/2 क्या होता है, माइनस का 0.5, इस टाइप से हो गया, और इससे ग्रेटर देन -0.5 से ग्रेटर देन तो क्या होगा, माइनस का 0.4, इस टाइप से चल सकता आगे। और 9/2 का मतलब क्या है कि 4.5 से लेस, 4.5 से लेस कुछ भी कर लो आप, 4.5 से लेस 4.4 भी हो सकता है, या आपको इसको फ्रैक्शन टाइप में लिखना है तो आप फ्रैक्शन टाइप में देखो, आप -1/2 से लेस बोला है, -1/2 से लेस क्या होगा, 0 आएगा, 1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1/3 पहले आ जाएगा फिर 1/2 हो सकता है, इस टाइप से 9/2 का मतलब 4.5 से छोटा लेना है हमें, तो सारी वैल्यूज यहाँ आ सकती है, यानी 0 to 4 के बिटवीन जितनी भी वैल्यू है वो सारी की सारी इसमें आ जाएगी। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि -1/2 और 9/2 इसके बीच की वैल्यू भी है, तो उसका वो क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा यहाँ पे। तो ये कहता है कि x बिलोंग करता है इंटीजर्स को, और ये कहता है कि x स्क्वायर लेस देन 20, तो आप देखोगे कि x क्या हो जाएगा यहाँ पे, x लेस देन प्लस माइनस 20 का अंडर रूट हो जाएगा, तो x इज लेस देन प्लस माइनस, इसको आप लिख सकते हो 2√5, क्योंकि 20 है, 20 को आप लिख सकते हो 4×5, तो ये क्या बन गया, 2 बाहर आ गया अंडर रूट के, ये √5, तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये सेट बन जाएगा एक। तो सिंपल था, सिर्फ हमें यहाँ बनाना था, एक सेट बनाना था कि जो कंडीशन दी है उससे कौन सा सेट बनता है, अगर वो कोई कॉमन नहीं बनता, अब यहाँ तो ओनली वन वैल्यू दे रखी थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट जहाँ पे दो दो वैल्यूज दे रखी है तो उन्हें देखना है कि वो उसको सेटिस्फाई कर रही है क्या दूसरे को, अगर वो सेटिस्फाई कर रही है तो सेट बनेगा, अगर नहीं बन रहा तो वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट एंड व्हाई, ये कहता है कि कौन सा सेट तो नल है और क्यों है, ये बताना, नल का मतलब एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट ही होता है टाइप से नल सेट। अब नल सेट का मतलब, मैंने ये ब्रैकेट आपको बताया था कि इस ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, या फिर वो इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दे ऐसे एम्प्टी, ये भी एम्प्टी सेट है और ये भी एम्प्टी सेट है, दोनों का मतलब एक ही, ब्रैकेट में कुछ भी नहीं होना चाहिए वो एम्प्टी सेट होता है, बट यहाँ इसने जीरो एलिमेंट दे दिया, इसने ब्रैकेट में जीरो लिख दिया, जीरो मतलब जीरो है एंड होल नंबर में आता है जीरो, जीरो इसका एलिमेंट है, इसका मतलब ये एम्प्टी तो है नहीं, तो ये एम्प्टी नहीं होगा। अब इसका रीजन लिखना तो लिख सकती हो कि जीरो इज ओनली वन एलिमेंट, तो देयर फॉर नॉट एम्प्टी सेट, जीरो इसका क्या है, एक एलिमेंट है। दूसरा अब डी लेते हो आप, तो ये बोलता है कि एक्स प्लस 3 इक्वल 3,
तो ये प्लस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस 3 क्या हो गया, 0। यानी सेट बी के अंदर क्या आ गया, 0 एक एलिमेंट आ गया। तो ये खाली तो है नहीं, एम्प्टी का मतलब खाली होना चाहिए, नल का मतलब खाली होना चाहिए, बिल्कुल एम्प्टी होना चाहिए, रिक्त कुछ भी नहीं हो। तो यहाँ 0 आ गया, तो 0 क्या है, 0 इज जीरो हैविंग वन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। तो क्या है कि 0 इसका क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। तो ये क्या है, एम्प्टी नहीं, दिस सेट हैविंग 0 एलिमेंट तो नहीं होगा। अब इसमें आप देखो कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0 है, तो ये उधर जाके क्या बन गया, प्लस का 1, और यहाँ से जब वैल्यू आएगी तो प्लस माइनस 1 आ जाएगी। यानी इसमें 2 एलिमेंट आ गए, एक प्लस का 1 आ गया, एक माइनस का 1 आ गया। तो एम्प्टी तो कैसे होगा, क्योंकि इसके 2 एलिमेंट आ गए, एम्प्टी हो ही नहीं सकता। फिर नेक्स्ट में भी देख लो आप, इसमें देखिए आप, वाई क्यूब बोला है इसने 27, और इसने बोला y इक्वल टू। अब ये y की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए आप y क्यूब में, तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब इक्वल 27 बोल रहा है। ये कैसे पॉसिबिलिटी है ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है, इनमें कोई कॉमन बन ही नहीं रहा। तो ये क्या बन गया, एम्प्टी सेट। ऐसा हमने पीछे भी किया था कि कोई कॉमन नहीं आ रहा इसके बीच में, तो ये एम्प्टी है। कि ये कहता है ये होना चाहिए और ये कहता है ये होना चाहिए, बट इन दोनों में कोई कुछ कॉमन है नहीं, तो ई क्या आ जाएगा, ई एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। अब यहाँ पे भी आप x की वैल्यू 3 पुट कीजिए, तो 9 नॉट इक्वल 4 होगा, 9 4 के इक्वल कैसे हो सकता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, f इज ए एम्प्टी सेट, देयर इज ए नो कॉमन। अब ये कहता है x इज पॉजिटिव और x इज नेगेटिव, ये कहता है x पॉजिटिव होना चाहिए और ये कहता है x इज नेगेटिव होना चाहिए, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही यहाँ पे। कहता है नेगेटिव भी होना चाहिए और ये कहता है पॉजिटिव होना चाहिए, तो कैसे पॉसिबिलिटी है, नेगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो, एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो पॉजिटिव, एक ही सेट के अंदर इंटीजर टाइप में बन सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा कि ये सेट का हमें बताना था कि कौन सा नल सेट होगा, कौन सा एम्प्टी सेट होगा, हमें ये प्रूव करना था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। यस बेटे, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आई सेट से रिलेटेड क्वेश्चन में? कौन सा बेटे, ये वाला सेवन से नहीं होगा बेटा, इसने कहा एक्स इज नेगेटिव, ठीक है, और ये कहता है एक्स इज पॉजिटिव, ठीक है। तो अब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जीरो क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में आ जाता है, यानी जीरो यहाँ क्या होगा, इसका एक एलिमेंट हो गया ना, तो ये नल सेट नहीं है सेवन, ठीक है। एक्स इज पॉजिटिव भी होना चाहिए, नेगेटिव भी होना चाहिए। मान लो तो नेगेटिव जीरो आ जाएगा, बीच में इनके क्या है कि जीरो ऐसी वैल्यू है जो ना तो नेगेटिव में गिनी जाती है ना ही पॉजिटिव में गिनी जाती है, तो जीरो इसमें एक एलिमेंट बन रहा है इस टाइप का, तो वो क्या हो जाएगा, नल सेट नहीं आएगा, ठीक है। और कुछ चले आगे, आगे देखिए। आगे इसने बोला कि फाइनेट और इनफाइनेट, मैंने बताया था फाइनेट क्या होता है, फाइनेट सेट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनेट हो। हमें पता है कि यहाँ से चला और यहाँ तक पहुंचे। मैं आपको बोलूँ एक टाइप से कि आप अपने घर से 5 मीटर चलिए, आप अपने घर से 5 किलोमीटर चलिए, या आप अपने घर से अपने स्कूल गुरु नानक इंटरनेशनल अकेडमी में आ रहे हो, तो वो क्या है कि आपको पता है कि मेरा इनिशियल पॉइंट क्या था और मेरा एंड पॉइंट क्या है, तो वो क्या है, फाइनेट है। बट इनफाइनेट क्या होता है कि आपको पता ही नहीं है कि मैंने यहाँ से चला और कहाँ पहुंचे ना, या मैंने कहाँ वहाँ पहुंचा था, वहां से मैं कहाँ से आया हूँ। तो क्या है कि आपको कोई पॉइंट फिक्स पॉइंट पता नहीं है, वो क्या हो जाता है, इनफाइनेट। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है कि 1 2 3 ऐसे करके आपको पता कि 1 से स्टार्ट हुआ और लास्ट में इसने बोला 1000, तो यहाँ पे क्या है कि नंबर फाइनेट है, आपको पता है कि 1000 ही नंबर है यहाँ पे, नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो क्या है, फाइनेट नंबर है, तो ये क्या बन जाएगा, फाइनेट सेट। दूसरा क्या बोल रहा है, सेकंड में द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1000। अब पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 1000, 1000 से ग्रेटर देन आप 1001 लेके इससे बड़े तो बहुत से काउंटिंग नंबर है, कितने हैं, अनगणित हैं, हमें पता ही नहीं है कि कहाँ तक पहुंचना है, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। दूसरा ये कहता है x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को और x स्क्वायर इक्वल 4 दिया है। आप देखो कि यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 2, तो x इक्वल 2 आएगा और x इक्वल माइनस 2 आएगा। अब माइनस 2 यहाँ पे रिजेक्ट कर दोगे क्योंकि इसने बोला है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर पॉजिटिव होता है, तो x की वैल्यू क्या है, 2,
टू एक फिक्स वैल्यू होगी यहाँ पे, तो ये क्या हो गया माइनस है, क्योंकि यहाँ पे टू आ जाएगा ना, टू पॉजिटिव, इसने बोला है पहले कंडीशन की एक्स क्या है बिलोंग करता है नेगेटिव नंबर को, तो हम एक्स की वैल्यू सिर्फ टू लेंगे, और टू क्या फाइनाइट वैल्यू होगी ना, सिर्फ टू ही है यहाँ पे, और कोई है ही नहीं, तो ये फाइनाइट हो गया। अब जैसे इसमें भी है, एक्स की वैल्यू क्या आएगी वन आएगी, और एक्स की वैल्यू क्या आएगी टू, तो दो ही वैल्यू है इसमें, फाइनाइट है पता है हमें, तो ये भी क्या बन जाएगा फाइनाइट सेट बन जाएगा। तो इस टाइप से आप इनको निकाल सकते हो। अब नीचे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो यहाँ पे हमें ए और बी इक्वल बताना है कि कौन सा ए सेट ए इक्वल बी होगा। अब मैंने बोला था कि ए इक्वल बी सेट कब होगा, जब ए के एलिमेंट सभी के सभी एलिमेंट बी में होंगे, ए के सभी एलिमेंट बी में होना जरूरी है, तभी वो क्या बनेगा ए इक्वल बी बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं सेट लेता हूँ ए, उसमें मैंने एलिमेंट लिए वन और टू, ठीक है, और बी सेट है उसमें मैंने एलिमेंट लिए वन टू थ्री और वन भी द्वारा लिख सकता हूँ। तो आप देखिए कि वन यहाँ पे है टू यहाँ पे है, तो ए के एलिमेंट बी में है, इसका मतलब वो सेट इक्वल हो गया, ये कंडीशन है। अब देखिए आप ये सेट है जैसे फोर है यहाँ पे भी है, एट यहाँ पे है, सिक्सटीन है, बट ट्वेल्व देखिए आप बी सेट में नहीं है, जो ट्वेल्व एलिमेंट है वो नॉट बिलोंग टू बी, बी में नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि ए नोट इक्वल टू बी होगा। आप रीजन क्या दे सकते हो कि 12 बिलोंग करता है ए को, बट 12 बिलोंग नहीं करता बी को। यस बेटे, क्या बेटे, हाँ, ऑर्डर कैसे ही हो सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है ऑर्डर का, कि आगे पीछे कैसे भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसने बोला है कि ये 2 टू 10 दिया हुआ है, और x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10, इवन इंटीजर, अब a सेट के अंदर तो ये दिया, तो b सेट क्या बनेगा। इसने बोला है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर होना चाहिए, बट लेस देन कितना होना, लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए, तो b के अंदर भी यही बनेगा, तो a और b क्या हो गए इक्वल हो गए, क्योंकि a के सभी एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं बी में आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे x इक्वल क्या आ रहा है 5, और यहाँ पे क्या है इसके फैक्टर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस बी सेट में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 15, इसके फैक्टर कीजिए तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3x माइनस का 15, तो यहाँ एक्स की वैल्यू एक तो 5 आ जाएगी, एक एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 3, तो 5 ए सेट के अंदर यहाँ से आ रहा है, तो 5 एलिमेंट एक जैसा ए वाला एलिमेंट एक ही था जो बी ने लिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। इसी टाइप से आप इनको भी सोल्व कर सकते हो, ये कहता है कि b की वैल्यू ये है और ये कहता है मॉडुलस लेस देन 2, ये देखो ये क्या बोला है मॉडुलस लेस देन 2 ये बोला है, तो एक बार ये पॉजिटिव और एक बार ये नेगेटिव कर लीजिए, आप पॉजिटिव किया x और एक बार इसको नेगेटिव किया, ठीक है ये आ रहा है, तो ये तो कहता है कि x इज, अब इस नेगेटिव को मैंने बोला था कि ये नेगेटिव नहीं रखना, हमें पॉजिटिव करना होता है, तो ये पॉजिटिव करोगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाए, इसका जो सिंबल है वो चेंज हो जाता है, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया, ये सिंबल चेंज हो गया ये माइनस हो गया। अब ये तो कहता है x इज लेस देन 2 और ये कहता है x इज ग्रेटर देन माइनस 2, लेस देन टू क्या होगा और माइनस ग्रेटर देन 2 माइनस 1 आएगा 0 आएगा और 1 आएगा, ये कंडीशन बनेगी कि x इज लेस देन 2 और x इज ग्रेटर देन माइनस 2, तो 2 से लेस देन क्या होगा 1 और 0 और माइनस 2 से लेस देन माइनस 1 और 0, ऐसे जाएगा वो इधर जाएगा, यानी आप नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हो, इसके लिए ये माइनस 2 है और ये 0 आ गया और ये प्लस, इसने बोला है कि x इज ग्रेटर देन 2 तो इधर जाएगा और ये सॉरी लेस देन 2, और ये कहता है कि x इज ग्रेटर देन माइनस 2 तो इधर जाएगा, तो इसके बीच की वैल्यू क्या आती है, बीच में क्या आता है माइनस 1 0 और 1, तो ये तो a आया और b कहता है ये, यानी ए वाला जीरो एलिमेंट बी में नहीं है, यानी जीरो नॉट बिलोंग्स टू बी बट जीरो बिलोंग्स टू ए, तो ए का एक एलिमेंट बी में नहीं है, कौन सा जीरो नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल सेट, हमें हमें इसमें से सेट बताना कि कौन कौन से इक्वल सेट है। देखिए आप फर्स्ट ए बी सी
अब इसमें भी ए बी सी दिया हुआ, आगे पीछे डबल दिया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी ए बी सी दिया हुआ और यहाँ पे भी ए बी सी दिया, यानी ये चारों के चारों सेट इक्वल है। क्यों? ए बी सी चारों के अंदर है, एक जैसे है, ए बी सी के अलावा कुछ अलग है नहीं। इसमें भी ए बी सी है, इसमें भी ए बी सी है, इसमें भी ए बी सी है, इसमें भी ए बी सी है। मान लो पहला ए सेट है, दूसरा बी है, तीसरा सी है और डी है, तो ए इक्वल बी है, बी इक्वल सी है और सी इक्वल डी है, चारों की वैल्यू एक जैसी है, तो ये इक्वल सेट है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए कि इसमें बोला है 1 2 3 आना चाहिए, ठीक है, ये ए सेट हो गया। बी सेट देखिए आप कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1, अब इसकी वैल्यू निकाल लो आप, तो आप देखोगे इसने तो बोला 3 वैल्यू आना चाहिए, बट ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 3 वैल्यू तो आ ही नहीं सकती ना, 2 ही आएगी, यानी कम से कम एक तो मिसिंग होगा इसमें से। तो ये यानी ये ए सेट था और ये बी सेट था, तो ए इक्वल बी तो नहीं होगा, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक वैल्यू नहीं आएगी, कोई एक वैल्यू गायब होगी यहाँ, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वो 3 वैल्यू बोल रहा है, ठीक है। हाँ, ये इक्वल हो सकता है, यानी ए इक्वल सी है, क्यों? क्योंकि 3 2 1 ही है और यहाँ 1 2 3 है, तो सी से इक्वल है। अब यहाँ देखिए, ये कहता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है, सॉरी क्यूबिक इक्वेशन दी है, तो सबसे पहले बी सेट के इक्वल तो ये होगा नहीं। अब क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है तो इसके हमें निकालने पड़ेंगे फैक्टर, जैसे ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 6x2 11x माइनस 6। अब आपको ये ना 1 2 3 है ना, यहाँ वैल्यू पुट करके देख लो, अगर तीनों को तीनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है, यहाँ की यहाँ वैल्यू पुट कर दो, अगर तीनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है फिर तो ये और ये और ये इक्वल हो जाएंगे, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करती एक वैल्यू तो ये फिर इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हो जाएगा। आप इसका एक तरीका और भी कर सकते हो, फोर्थ ट्रिक में कैसे इसके फैक्टर करने होते हैं मैं बताता हूँ। जैसे माइनस, अब ये देखो कि माइनस 6 है, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको देखो आप, तो 6 मल्टीप्लाई देखिए किस किस की आती है, फैक्टर 1 2 और 3, 1 2 3 और 6 यही आते हैं फैक्टर, ये तीनों फैक्टर होते हैं 6 के, 1 होता है 2 होता है 3 होता है 6 होता है। अब एक्स क्यूब था तो हमें 3 वैल्यू चाहिए, सिर्फ 3 वैल्यू रहेंगी हमें। आप देखो कि 1 2 3 और 6 इन 3 वैल्यू से मल्टीप्लाई 6 बनती है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 6 बनता है, 6 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करने से गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि 12 बनता है, तो ये 3 वैल्यू आएंगी 1 2 3। अब ये 1 2 3 क्या है, इनकी मल्टीप्लाई करने से 6 बनता है, बट माइनस का 6 बनना चाहिए, तो अब इनमें से कम एक वैल्यू क्या होगी, माइनस की होगी। मान लो हम कोई एक वैल्यू मान लेते हैं माइनस का 1 मान लिया। अब आप देखोगे ये सेकेंड नंबर पे है ना, इनको प्लस करने से माइनस 6 आना चाहिए, प्लस करने से माइनस 6, अगर मैं एक वैल्यू माइनस लेता हूँ तो फिर तो नहीं होता, तो मेरे को तीनों वैल्यू ही माइनस की लेनी पड़ेगी, तीनों वैल्यू माइनस लो तो माइनस का 6 बनता है, और तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो तो भी माइनस का 6 बनता है, तो लास्ट वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है और एक्स स्क्वायर वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। अब तीसरी कंडीशन बच गई कि माइनस 1 आ रहा था, माइनस 2 आ रहा था, माइनस 3 आ रहा था। अब आप देखो कि 11 कैसे बनाना है, इससे कि आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × 2 2 आता है, पहले ए और बी की मल्टीप्लाई, फिर बी और सी की मल्टीप्लाई, फिर ए और सी की मल्टीप्लाई, और इनको ऐड करने से ये बनना चाहिए, 11 का 11 बन रहा है, तो यानी आपकी क्या हुई, -1 -2 और -3, ये तीनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, बस यहाँ जो सिंबल है ना वो सिंबल चेंज करने हैं, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, तीनों ही माइनस के तो तीनों ही प्लस के हो जाएंगे, तो तीनों 1 2 3 इसको सेटिस्फाई करेगी, यही इसके फैक्टर होंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर इस टाइप से कोई क्यूबिक इक्वेशन दी है और उसका क्या हो, एक्स, ये ध्यान रखना कि एक्स क्यूब है जो हाईएस्ट डिग्री है ना, एक्स क्यूब वाली क्यूबिक, उसका जो कोफिशियंट है वो 1 होना चाहिए, 1 के लिए ही ये जो मेथड है वो फॉलो होगा, तो 1 2 3 इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे, 1 2 3 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब क्या है कि ये सेट और ये सेट और ये सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे, इस सेट के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी 2 वैल्यू आएगी, तो इस प्रकार से हम इक्वल सेट्स निकाल सकते हैं। हेलो हेलो, हाँ बेटे समझ में आया, किसी की कोई प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ सकते हो। साहिल बेटा किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंजलि अंशिका, ठीक है बेटे समझ में आ गया, इस टाइप से निकाल सकते हैं। और क्यूबिक के लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दी कि अगर क्यूबिक इक्वेशन की कोई निकालनी हो आपको तो उसको भी आप इस टाइप से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है,
अगर आपने वो क्या नाम है चैट बिल्डर फॉर्म में से कुछ समझना है तो पूछ सकती हूँ, मैं उसको दोबारा समझाना है तो मैं समझा सकता हूँ। अगर प्रॉब्लम क्लियर है फिर कोई दिक्कत नहीं, हम कल करेंगे फिर। क्लियर है? ठीक है, फिर एंड कर दें। हाँ।